तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडिचेरी T10 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा AVE वर्सेस SMA के बीच में। अगर यहां के विकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो बल्लेबाज अपने पोटेंशियल के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो दोस्तों यहां पर काफी अच्छे रन बना रहे हैं और जो गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं उनको भी काफी अच्छा स्पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले 5 मुकाबलों की, WAR ने 89 रन बनाए, PAT ने मुकाबला है वो एक तरफा 10 विकेट से विन कर लिया, फिर AVE ने 107 रन बनाए थे, KGS ने मुकाबला है वो 9 विकेट से विन कर लिया, EAG ने दोस्तों 101 रन बनाए थे, TIT की जो टीम है वो 23 रन से हार गई। जो सेकंड लास्ट मुकाबला हुआ उसमें ROS ने 101 रन बनाए थे, SMA की टीम है दोस्तों वो 8 रन से हार गई, और जो लास्ट मुकाबला हुआ WAR ने 109 रन बनाए थे, KGS की टीम ने मुकाबला 9 विकेट से विन कर लिया। तो दोस्तों इस विकेट के ऊपर अब तक 9 मुकाबले हुए हैं, 9 मुकाबलों में से जो 6 मुकाबले हैं वो चेस करने वाली टीम ने विन किए हैं, एक मुकाबला दोस्तों यहां पे टाई हुआ था, और दोस्तों 2 मुकाबले हैं जो दोस्तों पहले बैट करने वाली टीम ने विन किए हैं। यानी लगभग देखा जाए तो इस विकेट के ऊपर चेस करना आसान रहता है। अगर हम बात करें बैट फर्स्ट की तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले दोस्तों यहां पे बॉलिंग करना चाहेगी, बाकी पिच को लेकर, बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 को लेकर जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 इम्पोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं AVE के बारे में, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले 4 विकेट और 9 विकेट से हार कर आए हैं। टीम की ओर से आकाश कारगवे हैं, टीम के लिए ओपन करने वाले हैं, एक जबरदस्त अटैकिंग बल्लेबाज हैं, पहले मैच में 65 बनाए थे, लास्ट मैच में 5 रन बनाए। बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, कभी बॉलिंग करते हैं कभी बॉलिंग नहीं करते हैं। अरविंद है दोस्तों जिन्होंने दोनों मैच में ओपन किया, दोनों मैच के आप देखोगे पहले मैच में 34, लास्ट मैच में 8 बनाए थे। इनकी रिसेंट परफॉर्म देखोगे 2021 की 14, 15, 17, 34, 50 मोस्टली मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की है। इनके बाद मरिमुथु विघ्नेश्वरन जो कि टीम के कैप्टन है, ये दोस्तों 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्म देखोगे दोनों मैच में बैटिंग भी फ्लॉप रही है और बॉलिंग में पहले मैच में 1 विकेट मिला था, दूसरे मैच में विकेट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, टीम के कैप्टन हैं, काफी अनुभव इनके पास है, कभी भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, तो ज्यादा हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर दें, लेकिन स्मॉल लीग में जरूर आप इनको ट्राई करके चलना। परवीन आ रहे हैं, नंबर 4 और 5 पर खेल रहे हैं, पहले मैच में 6 बनाए थे, लास्ट मैच में 14 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रिटायर हट हो गए थे दोस्तों, उसके बाद ये खेलने के लिए नहीं आए। इनके बाद दोस्तों थेनवन एन है, ये दोस्तों एक एग्रेसिव टाइप का बल्लेबाज है, जब तक क्रीज पे रहेगा आपको आड़े टेढ़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, हो सकता है जल्दी भी आउट हो जाए, हो सकता है दोस्तों अच्छे रन भी बना दें, लास्ट मैच में 24 रन उन्होंने बनाए थे। इनके बाद दोस्तों के जया सुंदरम है, नंबर 4 पे बैटिंग की, पहले मैच में तो 21 बनाए, लास्ट मैच में नंबर 6 पर आए थे, 39 रन नाबाद बनाए, बॉलिंग में पार्ट टाइम गेंदबाज है, बॉलिंग से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगती। इनके बाद लॉरेंस जवानराज है, जिन्होंने लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग की थी, 18 रन खर्च के कोई विकेट इनको नहीं मिला। संजय कांसल है, पहले मैच में 1 ओवर डाला, 12 रन खर्च के 1 विकेट निकाला, लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, 14 रन खर्च के कोई विकेट इनको नहीं मिला। इनके बाद पूर्वीशन मनोरगन है, ये भी दोस्तों स्टेट लेवल का प्लेयर है, पहले मैच में 2 ओवर में 31 रन खर्च किए थे, 3 विकेट निकाले, लास्ट मैच में 1.5 ओवर डाले, 15 रन खर्च के विकेट इनको नहीं मिला। इनके बाद वेदाश्वरन एन है, पहले मैच में 4 ओवर बॉलिंग की, 27 रन खर्च किए, काफी महंगे साबित हुए, 1 विकेट निकाला, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, 13 रन खर्च करके इन्होंने 1 विकेट निकाला। ई विघ्नेश है, जिनको लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट मैच में इनको 2 ओवर में 23 रन पड़े थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन पिछला सीजन काफी कमाल का गया था, अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में मत रखिएगा। बैंस के प्ले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं SMA के बारे में। SMA ने पहले मुकाबला 8 विकेट से विन किया था, लेकिन दूसरा मुकाबला ये 8 रन से हार कर आए हैं। एम माधवन ने दोस्तों टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, पहले मैच में 11 बनाए, दूसरे मैच में 20 बनाए थे, पिछले सीजन भी दोस्तों इन्होंने 22 के एवरेज से 110 रन बनाए थे, अच्छे बल्लेबाज है, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। मोहित मिटन है, पहले मैच में 24 रन नाबाद थे, लास्ट मैच में 15 बनाए, बॉलिंग में दोस्तों लास्ट मैच में पता नहीं इन्होंने क्यों बॉलिंग नहीं की, अदरवाइज पहले मैच में 2 ओवर कंप्लीट डाले थे, 14 रन खर्च के विकेट इनको नहीं मिला था। कभी भी दोस्तों
टीम इनसे बॉलिंग करवा सकती हैं। अभिलाष कुलकर्णी है, पहला मैच अच्छा रहा था, नंबर चार पर आकर 20 रन नाबाद बनाए, फिर टीम ने इनको लास्ट मैच में प्रमोट किया, वन डाउन उतारा, लेकिन वहां पर ये सिर्फ 3 रन बना पाए। आर आदित्य रेड्डी पहले मैच में वन डाउन आए, 7 बनाए, लास्ट मैच में नंबर चार पर आए थे, 24 बनाए, 2 ओवर ये बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, पहले मैच में 2 और लास्ट मैच में 1, अब तक 2 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं। पी सुनील कुमार हैं, ओवरऑल 22 का बैटिंग एवरेज है, लास्ट मैच में नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए 7 रन बनाए थे। विजय राजा राम है, लास्ट मैच में पारी आई थी, नंबर 6 पर खेले, 8 रन बनाए, पहले मैच में बैटिंग तो नहीं आई थी लेकिन बॉलिंग की थी, 1 ओवर डाला, 15 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला और लास्ट मैच में टीम ने इनसे बॉलिंग नहीं करवाई। लेकिन दोस्तों इनका अगर आप पिछला सीजन देखोगे तो बॉलिंग में काफ़ी कमाल कर रहा था, तो कभी भी दोस्तों टीम इनसे 1 या फिर 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करवा सकती है। इनके बाद एम सराफुद्दीन है, पहले मैच में 2 ओवर 19 रन 0 विकेट, लास्ट मैच में 2 ओवर में 11 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला। ऋषि रावत है, पहले मैच में 1 ओवर 12 रन 0 विकेट और लास्ट मैच में 1 ओवर में 13 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला। अक्षय जैन ऐसे दोनों मैच में काफ़ी ज़बरदस्त विकेट टैकिंग बॉलिंग की है, 5 विकेट दोस्तों 2 मैच में निकाल चुके हैं, तो बॉलिंग में एक बेहतरीन पिक रहेगी। नीचे दोस्तों गजेंद्र तंवर को अभी तक टीम ने परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया। शिवा कुमार एस ने लास्ट मैच में खेले थे, 2 ओवर डाले, 18 रन खर्च किए, विकेट इनको नहीं मिला। बैंस के प्लेयर को कर दोस्तों केबी नायर इनके काफी सीनियर प्लेयर हैं, कभी भी टीम इनको बैक कर सकती है, तो जो भी ये चेंज करेंगे अपडेट आपको हमेशा की तरह मिलेगी टेलीग्राम में। और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी डेमो टीम के बारे में। विकेट कीपिंग में देखोगे दोस्तों तो मैं एम माधवन को ट्राई कर रहा हूँ, आर प्रवीण भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चलना। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं माधवन को ट्राई करके चल रहा हूँ। बैटिंग डिपार्टमेंट में आनंद कारगोवे बैटिंग कमाल की करते हैं, बॉलिंग में पार्ट टाइम गेंदबाज है, तो बॉलिंग से उम्मीद नहीं रखेंगे, बैटिंग में आपको बड़े रन लगा के दे सकते हैं। मोहित मिटन है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं और टीम कभी भी इनसे 2 ओवर बॉलिंग भी करवा सकती है। के अरविंद है दोस्तों, दोनों मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है तो इनको बिल्कुल ट्राई करना बनता है। जे कार्तिकेन है दोस्तों, काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव इनके पास है, T20 में रिसेंटली जो खेले थे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैं इन चारों प्लेयर्स को दोस्तों अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन अभी आपके पास एक नाम नज़र आने वाला है एन थेनेवन का, जिनको दोस्तों बिल्कुल कम लोग ट्राई करने वाले हैं, लेकिन बंदा दोस्तों कमाल का है, अटैकिंग बल्लेबाजी करता है, अगर 15 गेंदें खेल ली तो आपको दोस्तों 30-35 रन बनाकर दे सकता है, तो आप ग्रैंड लीग में जरूर रिस्क उठा के अपनी एक टीम में जरूर ट्राई करके चलना। इनके बाद दोस्तों यहां से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में वी मरीमत्थु है, जिनको स्मॉल लीग में तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, स्टेट लेवल का प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो ग्रैंड लीग में अपनी एक दो टीम से ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हैं। इनके बाद आर आदित्य रेड्डी, बैटिंग थोड़ा लेट आती है लेकिन ठीक ठाक खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग देखोगे काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करके चलूंगा। नीचे दोस्तों वी राजा राम है, जिनको मैंने लास्ट मैच के अंदर अपनी टीम में ट्राई किया था लेकिन टीम ने इनसे बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन गुच्छों में विकेट निकालने वाला गेंदबाज है और कभी भी ये 2 ओवर कंप्लीट डाल सकते हैं, तो अपने एक ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर से ट्राई करके चलना। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पूर्वीसन स्टेट लेवल का विकेट टैकर गेंदबाज है, एवेगेसवन को रखा है, एजेएनएस है, गुच्छों में विकेट निकालता है, और नीचे के ऑप्शन में ई विग्नेश है, जिनको बहुत कम लोग ट्राई करने वाले हैं। एक तो दोस्तों क्रेट का इश्यू था इसलिए मैंने रखा है, दूसरा लास्ट सीजन का कमाल का गया था इसलिए मैं इनको रख रहा हूं, 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करेगा तो डेफिनेटली मैं अपनी टीम में इनको ट्राई करके चलूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं वो हमारी सिर्फ एक डेमो टीम रहने वाली है, जो मेरी फाइनल टीम रहेगी वो टॉस पे डिपेंड करेगी और टॉस के बाद टीम में जो भी चेंज होगा उसकी अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम में। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 लिंक है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के नीचे मेंशन कर दिए हैं, जहां से आप क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों ए आदित्य रेड्डी और यहाँ से ए आनंद कारगन, दोनों काफी अच्छी पिक है, जिनको आप रिवर्स करके भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर कैप्टन वाइस कैप्टन ने देखा जाए तो एजेएनएस है, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी जो मेरी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और अपडेटेड टीम होगी वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।